बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.4 हम शुरू करेंगे आज। 12 क्लास मैथ्स, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हमें इसमें मालूम करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और हमें मालूम करनी है इसमें राइट हैंड लिमिट, एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x = c। तो ये काम इसमें हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स में हमने यही काम करना है। एक तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और फिर हमने इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट गिवन पॉइंट सी। ये जो उसने सी दिया हुआ है, हर सवाल में उसने सी दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हमने 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है, हमने 1 पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है। तब देखें ये कैसे हम लिमिट निकालेंगे इसकी। सी इक्वल टू 1 पे निकालनी है इसकी लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, इसके ऊपर छोटा सा माइनस लगा देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब हम इस 1 को, ये वाला जो 1 है, इस 1 को अप्रोच करेंगे, इधर से हम बढ़ेंगे इसकी तरफ चलते जाएंगे, हम इस फंक्शन x में वैल्यूज लगाएं -3 -2 -1 0, आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते जाएं 1 की तरफ, तो इसकी लिमिट क्या आएगी ये हमने मालूम करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स माइनस 5 है, सी इज इक्वल टू 1 पर हमने इसकी लेफ्ट लिमिट निकालने लगे हैं, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड। ये जो ऊपर हमने माइनस लिखा, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये और चीज है, तो लिमिट के लिए हम इसके ऊपर छोटा सा यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स, तो इसमें वैल्यूज लगाएंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, ये लगा देंगे 2x² + x - 5। तो लिमिट अप्रोच कर रही है 1 को फ्रॉम नेगेटिव साइड, इधर से हम बढ़ रहे हैं इस 1 की तरफ नेगेटिव साइड से, तो जिधर जिधर एक्स है वहां पर हम 1 लगा देंगे, माइनस 1 ही लगाएंगे। इस ये जो ऊपर माइनस 1 है, इसका मतलब है 1 के साथ ये माइनस लिखा है, इसका मतलब है कि हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, तो एक्स की जगह पर हम 1 लगाएंगे। ये आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर, जिधर जिधर एक्स है वहां पर हमने लगा दिया 1, ये बनेगा आपका 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 से ये आ गया माइनस 2। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आ गया। अब देखिए ये आया है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 1 को एफ ऑफ एक्स, और ये आंसर आया हमारे पास माइनस 2। इसका मतलब है कि जो जो हम इस फंक्शन में वैल्यूज रखेंगे 1 की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ से वैल्यू रखते रखते माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच करेंगे माइनस 2 को, यानी जो आंसर है वो माइनस 2 के करीब 3 आता जाएगा। माइनस 2 खुद जाती तौर पर नहीं आएगा, बस उसके करीब 3 इसका आंसर चला जाएगा। जो जो हम वैल्यूज को इस तरफ लेते जाएंगे, तो ये वाला जो फंक्शन है ये माइनस 2 की तरफ बढ़ता जाएगा, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब हम इस 1 को अप्रोच करेंगे इधर से, यहाँ से वैल्यूज पुट करते जाएंगे, प्लस 4 प्लस 5, 5 रखा फिर 4 रखा फिर 3 रखें इस फंक्शन में, फिर 3 रखें फिर 2 रखें, 1 को अप्रोच कराना है आपने। अब आप इधर से पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, लिहाजा हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, इसके ऊपर हम प्लस लगा देंगे। हम पॉजिटिव साइड से यानी इधर से वैल्यू पुट करते करते इस 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, हम इधर से राइट साइड से बढ़ रहे हैं इस वैल्यू 1 की तरफ जो कि उसने ये दी हुई है। जब हम इधर से वैल्यूज पुट करते करते उधर जाएंगे तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और उधर से जब वैल्यूज पुट करते करते हम इधर आएंगे तो फिर हम इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 1 को पॉजिटिव साइड से, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका वही 2x² प्लस x माइनस 5 है, तो वही काम फिर करें, x जगह पर 1 लगा दें, जिधर जिधर x है वहां पर 1 लगाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 से ये आ जाएगा माइनस 2। तो ये दो काम, एक तो हमने ये करने थे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब वो कह रहा था फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट सी, और इस फंक्शन की भी हमने लिमिट निकालनी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है यही काम हमने इसमें करना था, तो ये हमारे पास आ गया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड से अप्रोच किया है हमने, वो वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आई है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास सेम आई।
वन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, जो आंसर इसका आया है वही आंसर इसका आया है, और यही हमने इसमें निकालना था। या इसको हम यू लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच करे वन को, इस वन को अप्रोच करे, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाता है नेगेटिव टू। तो यही इन तीन पार्ट्स में हम काम करेंगे जो कि हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में किया है। यही इसका अब सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और एक्स माइनस थ्री। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी है और फंक्शन की लिमिट निकालनी है हमने माइनस थ्री पर। तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से चलेंगे, हम माइनस थ्री को अप्रोच कराएंगे, इस माइनस थ्री को अप्रोच कराएंगे इधर से वैल्यूज रखते रखते और फिर उधर से। तो जब हम इधर से जाएंगे नेगेटिव वैल्यू से इस माइनस थ्री की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव थ्री, ये खुद भी माइनस थ्री है फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और उसके ऊपर छोटा सा माइनस लगाएंगे। इसका मतलब होगा कि हम इस माइनस थ्री को अप्रोच कर रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम इधर नेगेटिव वैल्यू से, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस थ्री फ्रॉम द नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका बनेगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है माइनस थ्री को, क्योंकि सी इज इक्वल टू माइनस थ्री दिया हुआ है, इस पर हमें मालूम करना फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। एफ एक्स जब पर हमने ये वैल्यू लगा दी, अब हम जिधर जिधर एक्स है वहां पर माइनस थ्री लगाएंगे। अब जब माइनस थ्री, ये वाला माइनस थ्री हम इसमें रखेंगे, तो ये माइनस थ्री का स्केयर बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस नाइन, माइनस नाइन ये वाला इसी तरह से आ गया। और नीचे आपके पास यहाँ पर रखना है एक्स जब पर माइनस थ्री, और ये वाला माइनस थ्री भी इस तरह से आ गया, ऊपर आ गया जीरो और नीचे आ गया माइनस सिक्स। ये आपको मिला लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिली जीरो, यानी जब एक्स अप्रोच करेगा माइनस थ्री को नेगेटिव साइड से, तो इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पर माइनस थ्री लिखा था, तो प्लस थ्री के लिए हम इसको कर लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है नेगेटिव थ्री को। अब इस नेगेटिव थ्री को हम बढ़ेंगे इधर से वैल्यू लेते लेते, नेगेटिव थ्री को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, ये मिलेगा आपको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव थ्री फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। तो इसमें ये वैल्यूज हम रख देंगे माइनस थ्री, ये वाला माइनस थ्री जो है वो हम इसमें पुट करेंगे जैसे ऊपर किए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर रखेंगे एक्स जगह पर माइनस थ्री रखेंगे, तो माइनस थ्री का स्क्वायर पॉजिटिव नाइन, ये वाला माइनस नाइन डिवाइड बाई माइनस थ्री माइनस थ्री, जिधर जिधर एक्स था वहां पर माइनस थ्री कर देंगे, जीरो डिवाइड बाई माइनस सिक्स, तो ये आ गया आपके पास जीरो। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गई, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है नेगेटिव थ्री को फ्रॉम द नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव थ्री फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, दोनों बराबर आई है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट जो है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, यहाँ पर हम प्लस या माइनस में लिखेंगे इसके साथ एफ ऑफ एक्स, तो ये इक्वल आई है किसके, जीरो के। यानी जब एक्स अप्रोच करता है माइनस थ्री को नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड से, तो आंसर हमें मिलता है जीरो। यानी जब एक्स अप्रोच करता है नेगेटिव थ्री को, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोच करता है जीरो को, तो उसका आंसर जीरो के करीब करीब जाता जाता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट, थ्री पार्ट, एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस फाइव मॉड, इसकी हमने लिमिट चेक करनी है एट एक्स एट सी इज इक्वल टू फाइव। जब c इज इक्वल टू फाइव हो तो एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, ये हमने मालूम करना है। अब देखिए इसका मॉड है x माइनस फाइव मॉड है, तो मॉड जब खत्म करते हैं तो फिर हम लिखते हैं प्लस माइनस। तो इसका मतलब है ये दो वैल्यूज बन जाएंगी हमारे पास, इसको हम यूं लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये माइनस के लिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए, तो x माइनस फाइव और x माइनस फाइव, मार जब खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, एक वैल्यू प्लस के लिए आ गया एक माइनस के लिए। प्लस इसको हम तब इस्तेमाल करेंगे फॉर एक्स इक्वल फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल फाइव, जब हम एक्स की वैल्यूज पांच या पांच से बड़ी रखेंगे इसमें इस फंक्शन में, तो हम इसमें रखेंगे फिर, और ये वाला जो होगा ये नेगेटिव वाला ये लेस देन फाइव के लिए होगा, इसको हम यूज करेंगे एक्स लेस देन फाइव के लिए। जब हमें पांच से छोटी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी तो हम इस इसमें रखेंगे माइनस इंटू एक्स माइनस फाइव में। तो ये दो वैल्यूज बन गई एफ ऑफ एक्स, इसके भी इक्वल है पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए ये आ गया, और ये जो वाला जो पॉजिटिव है ये ग्रेटर इक्वल फाइव के लिए यूज करेंगे, और लेस देन फाइव के लिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। अब हमने निकाली है इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों, तो निकालनी है सी पर। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम द नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स, यू लिखेंगे इसे, तो ये बनेगा हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव
फ्रॉम द नेगेटिव साइड, एक्स अप्रोच फाइव फ्रॉम द नेगेटिव साइड. अब नेगेटिव, अब एक्स अप्रोच कर रहा है फाइव को नेगेटिव साइड से, तो नेगेटिव साइड से हम इधर से बढ़ रहे हैं उधर, यहाँ पर हमारे पास फाइव है, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, इधर से वैल्यू करते करते हम उधर जा रहे हैं. तो इसको हम यूज करेंगे, फाइव की तरफ बढ़ रहे हैं नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड से जा रहे हैं, तो फिर इसमें पुट करेंगे हम वैल्यूज. ये है हमारे पास माइनस एक्स माइनस फाइव में, हम इसको एक्स जगह पर फाइव लगाएंगे, ये बनेगा आपका माइनस, ये वाला इसी तरह से आ गया. इस एक्स जगह पर आपने ये वाला फाइव लगाना है, फाइव माइनस फाइव, तो ये आपको मिलेगा जीरो. एक्स अप्रोच कर रहा है फाइव को नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड के लिए है, तो हम लेस वाली वैल्यू को यूज करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे, उसमें नहीं करेंगे, वो ग्रेटर देन के लिए. अब जब हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे पॉजिटिव फाइव के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स. अब हम अप्रोच कर रहे हैं फाइव को, इस फाइव को अप्रोच कर रहे हैं इधर से, पॉजिटिव वैल्यू से अप्रोच कर रहे हैं इसको एफ ऑफ एक्स को. तो फिर हम, अब चूंकि हम उधर से आ रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू से, तो हम इसको यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारा बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स अब हम ये इस्तेमाल करेंगे, वो लेस फाइव के लिए था जब नेगेटिव की तरफ से अप्रोच कर रहे थे, ये ग्रेटर फाइव, ग्रेटर इक्वल फाइव के लिए, जब हम फाइव को अप्रोच कर रहे हैं इधर से राइट साइड से, तो पॉजिटिव के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे एक्स माइनस फाइव. तो फाइव रखना है हमने इसमें, एक्स अप्रोच कर रहा है फाइव को, तो आपका बनेगा फाइव माइनस फाइव, जिधर एक्स था वहां पर रख दिया फाइव, तो ये आ गया. तो देखें इसमें भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली, एक्स अप्रोच किया माइनस फाइव को, एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आई है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है फाइव को फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास कितनी आ गई है, जीरो आ गई. तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये राइट हैंड लिमिट होगी, फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पर ये बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव, एक्स अप्रोच करेगा फाइव को एफ ऑफ एक्स, तो ये आपका क्या आ गया, जीरो. तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर वन के थ्री पार्ट्स. इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर टू, इसमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. ये एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है, हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि क्या जब इसका ग्राफ बनाया जाए इस पीस वाइज फंक्शन का, इसमें दो हैं वैल्यूज टू एक्स प्लस फाइव, और ये जब एक्स की वैल्यूज होंगी लेस इक्वल टू तो हम इसमें रखेंगे अपने वैल्यू को, और जब हमारा एक्स ग्रेटर देन टू होगा तो फिर हम इसको यूज करेंगे. तो हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पॉइंट टू पर कि क्या जब हम इनका ग्राफ बनाएं दोनों वैल्यूज का, तो जो वैल्यू टू है उस पर इसका ग्राफ कंटिन्यूस आएगा या वहां पर ये इसमें कोई ब्रेक आ जाएगी, ये हमने मालूम करना है. बगैर ग्राफ बनाए हुए हम ये देखेंगे कि एस इज इक्वल टू टू पर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है. तो कंटिन्यूटी के लिए अगर ये कंटिन्यूस हुआ एस इज इक्वल टू टू पर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो वो ये तीन कंडीशन पूरी करेगा. ये तीन कंडीशंस कंटिन्यूटी के लिए क्या हैं? पहली तो ये है कि उसको जिस पॉइंट पर, यानी इस हमने इसमें टू पर इसको चेक करना है, तो उस पॉइंट पर जिस पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर इसको डिफाइंड होना चाहिए, यानी जब आप ये वैल्यू इसमें रखें तो इसको कोई ना कोई आंसर देना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं देना चाहिए. पहली शर्त तो ये है कंटिन्यूस होने के लिए इस पॉइंट पर कि इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इस टू पर डिफाइन होना चाहिए, यानी जब हम सी इज इक्वल टू टू इसमें रखेंगे तो इसका कोई ना कोई आंसर है. दूसरी शर्त इसकी ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी ये वाला जो है ये भी हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, एक्स जो है ये वही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, ये दोनों बराबर आनी चाहिए. ये दूसरे वाले का ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए. अगर ये सेम आ जाती है तो उससे ये साबित हो जाएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है. उसके बाद तीसरा ये है कि ये एफ ऑफ सी की जो वैल्यू निकाली होगी, सी पर जो इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और लिमिटिंग वैल्यू जो उसकी निकालेंगे, वो दोनों को सेम आना चाहिए, दोनों को बराबर आना चाहिए. ये भी हम करते हैं तो आपको साफ सुथरा इसकी आसानी से समझ आ जाए. अब हमने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि इसमें एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस फाइव के इक्वल भी है, एफ ऑफ एक्स फोर एक्स प्लस वन के इक्वल भी है, और ये वाला जो टू एक्स प्लस फाइव है ये है हमारी नंबर लाइन. जब ये हमारा जीरो हो गया उधर, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री पॉजिटिव वैल्यूज इधर और नेगेटिव वैल्यूज इस तरफ,
हमें c इज इक्वल टू पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, c इज इक्वल टू पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये है 2x प्लस 5। जब हम x की वैल्यूज को लेंगे 2 और 2 से लेस, यानी इस 2 से लेस वैल्यूज जब लेंगे तो हम इसको यूज करेंगे, इसमें हम x की जगह पर उस वैल्यू को पुट करेंगे। जब भी हम इस x की जगह पर वो वैल्यू पुट करेंगे जो 2 या 2 से छोटी होगी तो हम इसमें पुट करेंगे, इस वाली 2x प्लस 5 में पुट करेंगे। और अगर हमने 2 से बड़ी वैल्यूज लेनी है इसमें रखने के लिए, फंक्शन में रखने के लिए, तो फिर हम उनको इसमें रखेंगे 4x प्लस 1 में रखेंगे। अब देखें, पहली शर्त यह है कि इस पॉइंट सी पर जिस पर वो कह रहा है किसी कंटिन्यूटी चेक करें उस पर इस फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। तो रख के देखते हैं, c इज इक्वल टू 2 है, x की जगह पर 2 रख के देखें, f एट 2। अब 2 पर जब रखेंगे तो देखें हम इसमें पुट कर रहे हैं इक्वल टू, पूरा 2 पुट किया हमने इक्वल टू, तो इक्वेलिटी जो है वो इसमें है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इक्वेलिटी इसमें है, तो हम इसमें इसको पुट करेंगे 2x प्लस 5 में। 2 x जहाँ पर आ जाएगा ये 2, ये वाला जो 2 रख दिया प्लस 5 इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तब है जब x ग्रेटर देन 2 होगा, जब इसमें हमने x जहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो 2 रखी है, फंक्शन को उस वैल्यू पर डिफाइंड होना चाहिए, तो 2 पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम इसमें 2 रखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो देख लें ये एग्जिस्ट करती है, यानी इस जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर ये एग्जिस्ट करती है, ये पहली शर्त उसकी ये पूरी होगी। उसके बाद है कि ये वाली चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर आना चाहिए। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, दूसरी शर्त पे चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई तो ये चीज आ गई हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू दिस 2, लेफ्ट से कर रहे हैं तो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द नेगेटिव साइड। अब देखिए नेगेटिव से आएंगे तो फिर लेस वाली x लेस देन 2 वाली में रखेंगे। अब x लेस देन 2 वाली ये है, इक्वल के लिए भी यही है और लेस 2 के लिए भी यही है 2x प्लस 5, तो इसको हम यूज करेंगे क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं इस 2 को नेगेटिव साइड से, तो हमारा x लेस देन के लिए ये वाला है, इसमें हम इसको रखेंगे जब 2 को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, ये हो गया 4 प्लस 5 से आ गया 9, ये चीज आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, अब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे हम इसको 2 को, तो पॉजिटिव से करेंगे तो x ग्रेटर देन 5 वाली में रखेंगे, तो x ग्रेटर देन 2 वाली में रखेंगे, तो x ग्रेटर देन 2 जो है वो इसमें है, तो हम इसको यूज करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड से है तो ग्रेटर वाली में रखेंगे हम 4x प्लस 1 को यूज करेंगे, तो इसमें हम लगाएंगे x जगह पर 2, 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये भी आपका देखिए 9 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ गई है, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, यानी हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच कर रही है, लिमिट x अप्रोच कर रही है 2 को एफ ऑफ x, तो वो आई है हमारे पास 9, वो आ गई है 9। तीसरी शर्त ये थी कि ये जो हमने निकाला है ये वाली वैल्यू और ये वाली, इसको बराबर आना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल आनी चाहिए, तो देख लें ये भी 9 है ये भी 9 है। लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x ये, और इसकी वैल्यू जो है 2 पर, वो दोनों जो है वो इक्वल आई हैं जो कि 9 के इक्वल हैं, जैसा हम कहेंगे कि 2 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो हम इसको लिखेंगे हेंस ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x एट c इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस है, यानी जब हम इसका अगर ग्राफ बनाए तो ये हमारा प्लस 1 है, ये प्लस 2 है, ये प्लस 2 है, 3 है, तो ग्राफ बनते बनते इस तरह से कहीं से ग्राफ चलेगा, तो 2 पर ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर ब्रेक नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये ग्राफ इस 2 पर चलते चलते यहाँ पर इसमें कोई ब्रेक आ जाए और फिर यहाँ से आगे चल के ये ग्राफ शुरू हो जाए, तो इस पॉइंट पर ये 2 पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो हमने बगैर ग्राफ बनाए हुए इस मेथड से हमने चेक कर लिया कि इस सीजन को 2 पर ये कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरह से हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब इसमें एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 1 की इक्वल है, इसमें हम तब वैल्यू पुट करेंगे जब हमारी वैल्यूज लेस देन 1 होंगी, यानी इस 1 से लेस होंगी
इस वन से लेस होंगी तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3x-1 में, और जब x 1 के इक्वल होगा तो फिर ये 4 के इक्वल है, 1 के ऊपर ये 4 के इक्वल होगा, जब 1 पुट करेंगे तो ये 4 के इक्वल है, और जब 1 से ग्रेटर हो में पुट करेंगे तो ये 2x है, तो फिर हम इसमें पुट करेंगे 2x। 1 से छोटी वैल्यूज जब इसमें रखेंगे तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, जब 1 रखेंगे तो ये डायरेक्ट 4 के इक्वल है, फिर ये आ गया, और अगर हम 1 से बड़ी वैल्यूज इसमें रखेंगे तो फिर हम इसमें रखेंगे 2x में। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने 1 पर, तो हुई 3 कंडीशन हम चेक करेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या इस 1 पर ये डिफाइंड है, कोई आंसर देता है हमें, तो इसकी पहली कंडीशन कंटिन्यूटी के लिए इसको डिफाइंड होना चाहिए c इज इक्वल टू 1 पर, तो देखें c इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1 पर, तो ये तो 4 के इक्वल है, डिफाइंड है, तो इसको हम लिखेंगे कि 1 पर तो ये डिफाइंड है, 1 पर ये कौन सा देता है 4, 1 पर तो ये खुद 4 के इक्वल अनडिफाइंड नहीं है, इंफिनिटी नहीं देता, एक शर्त पूरी होगी। दूसरी ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लिए हम लिखेंगे, हम इसको लिमिट x अप्रोच कराएंगे 1 को फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x, तो ये बनेगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड है, तो लेस देन वाली में हम रखेंगे, लेस देन वाली ये है, 1 से लेस देन वाली ये है, ये 1 से लेस देन वाली ये है, हम इसको यूज करेंगे, x जहाँ पर रखेंगे 1, ये हो जाएगा आपका 3 into 1 - 1, ये आपका आ जाएगा 2, तो इसको तो यहीं पर ही रोका जा सकता है, देखें ये तो इक्वल भी नहीं आई, चले निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, इस पर हमें पता चल गया यहीं पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड से जब इसको अप्रोच कराएंगे तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, अब पॉजिटिव साइड से आएंगे तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, ग्रेटर देन के लिए ये थी, ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, तो इसमें लगाएंगे हम ये वाला 1, तो 2 into 1 ये आपका आ गया, ये भी 2 इक्वल आ गया, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों आपकी सेम आई हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ये लिमिट x अप्रोच करती है, लिमिट x अप्रोच करती है जब इसको 1 को f ऑफ x, तो ये इक्वल है किसके 2 के, दूसरा ये हमने निकाल लिया, पहला ये निकाला था, तीसरी शर्त ये थी कि इनको इक्वल आना चाहिए था, ये तो इक्वल नहीं आए, उसकी फंक्शन की वैल्यू 1 पर और है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ और है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच, तीसरी इसकी शर्त, लिमिट x अप्रोच करती है जब 1 को, लिमिट x अप्रोच करती है जब इस 1 को f ऑफ x को इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू 1 के, यानी ये तो इक्वल नहीं है, ये 2 आई है, वो 4 आई है, ये तो हम लिखेंगे सो फंक्शन f ऑफ x, ये जो हमारा f ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूअस है, इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे चलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।